ये पहाड़ी कोबरा है और ये बहुत जहरीला होता है, इसलिए देखभाल के चलना चाहिए। अक्सर ये छुपे होते हैं, लेकिन ये इस टाइम मेरे ख्याल धूप सेक रहा होगा, जिस पे मेरी अचानक से नज़र पड़ गई और मुझे मिल गई है। मेरे लिए तो एक नेमत है, मुझे तो खाना मिल गया, मैं इसको पका के आराम से खा सकता हूँ। लकड़ियाँ भी जमा कर ली मैंने, अब इसको पका के फिर आगे बढ़ता हूँ। इसको मैं ज़्यादा देर रख नहीं सकता क्योंकि जहरीला है, मुझे नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए मैं इसको अब ये डर रहा गुस्से में थोड़ा सा। अभी थोड़ा गुस्से में एक मिनट अभी मुझसे काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने इसको अपने चाकू से पकड़ा हुआ। चलिए अब इसका काम तमाम हो गया, चलते हैं अपने कैंप में, जो मैंने जगह तलाश की थी उधर बैठ के इसको पकाऊंगा। ये सारा इसका इसको जला देते इसके अंदर ही, खाल उतार लेता हूँ फटाफट। खाल उतारने का तरीका आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कई बार, अभी भी ये हिल रहा है, इसमें जान बाकी है अभी भी, लेकिन छोड़ने वाला इसको मैं नहीं। खाल थोड़ी सी सख्त है, जो मैंने पहले कोबरा खाए थे वो उनकी ना जो खाल थी वो जल्दी उतर गई थी, शायद ये उस इलाके का नहीं है, ये फर्क भी हो सकता है।
ये एक मादा थी जो कि इसके निशान बता रहे हैं। अब इसको मैं डंडे पर लपेट लेता हूँ, इसकी खाल, इसकी जो आंत है वो निकाल के, पानी मेरे पास मौजूद ही, इसको मैं आप सोच रहे होंगे कैसे काम काम है, तो मेरे दोस्त ये सर्वाइवल है तो ऐसा काम करना पड़ता जंगल में। इसको मैं इसको लपेट लेता इसके ऊपर, जो पत्थरों के ऊपर रख के इसको पहली बार पकाऊंगा सांप को।